गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर। गाइस, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। गाइस, आज हम लोग चर्चा करेंगे सुपर टेट 2021-22 के ऊपर। और जैसा कि लगातार हम लोग सुपर टेट की सीरीज चला रहे हैं इस समय वर्तमान समय में, तो जो चर्चा करेंगे वह सुपर टेट में मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट को रखा गया है। मनोविज्ञान को सुपर टेट में 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। कि नंबर 1 मनोविज्ञान को बाल मनोविज्ञान में विभक्त किया गया है, दूसरा शिक्षण कौशल के रूप में विभक्त किया गया है, और तीसरा जीवन कौशल के रूप में किया गया है। प्रत्येक से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक से बाल मनोविज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे हमसे, और शिक्षण कौशल से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जीवन कौशल से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों से जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुल मिलाकर के मनोविज्ञान से हमसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो सुपर टेट में किसी भी जो है तरीके से अगर आप 30 में अगर 28-29 नंबर अगर लाते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा, जो आपके स्कोर के अंकों को बढ़ाएगा। कई आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा की वह चर्चा कर रहे थे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जो हम लोगों ने चर्चा की थी वह चर्चा की थी सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर। तो आज भी हमारा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, और नवीन प्रयास में जो आज का हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। और यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 68,500 की भर्ती जो हुई थी उस भर्ती में पूछा गया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है, जिसे इंग्लिश में नेशनल लिटरेसी मिशन के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्र, आइए देर ना करते हुए जानते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में जब जनगणना की गई, क्या किया गया? जनगणना की गई। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद सन 1951 में देश में जब जनगणना की गई तो उस समय पाया गया कि भारत देश में 30 करोड़ लोग निरक्षर हैं। कितने? 30 करोड़ लोग निरक्षरों की संख्या पाई गई जब 1951 में जो है जनगणना की गई, तो उसमें पाया गया कि निरक्षरों की संख्या 30 करोड़ है। कितनी है? 30 करोड़ है। उसके कुछ दिनों बाद फिर जो है जनगणना की गई देश में सन 1991 ईस्वी में 1991 में जब जनगणना की गई तो उस समय देखा गया वह जो निरक्षरों की संख्या थी वह 30 करोड़ से बढ़ करके 48 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? सन 1991 में 48 करोड़ निरक्षरों की संख्या होगी। 51 में 30 करोड़ थी निरक्षरों की संख्या, और वही जनसंख्या बढ़ करके 48 करोड़ सन 1991 में हो गई। ऐसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी परिस्थिति में एनएलएम का प्रारंभ किया गया। ऐसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए जो है एनएलएम का प्रारंभ किया गया। तो एनएलएम का प्रारंभ कब किया गया? सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि एनएलएम का शुभारंभ कब किया गया? तो एनएलएम का जो शुभारंभ है वह 5 मई 1988 ईस्वी को किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्या कि एनएलएम का प्रारंभ कब किया गया? एनएलएम का प्रारंभ जो है 5 मई 1988 ईस्वी को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि प्रौढ़ शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना था। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के बावजूद भारत में निरक्षरों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। जो एनएलएम का कार्य था कि हर व्यक्ति साक्षर होना चाहिए, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन यह जो चलाई गई उसके बावजूद भी क्या हुआ कि प्रौढ़ शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के बावजूद भी भारत में निरक्षरों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। क्या हो रहा था? निरक्ष यह
कदम उठाने के बावजूद भी निरक्षरों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, उस समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। तो कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में NLM को प्रारंभ किया गया। क्या किया गया? NLM को प्रारंभ किया गया तथा इसी दिन राज्य स्तर पर राज्यों की राजधानियों में NLM का प्रारंभ किया गया। जब जो है दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू किया गया, इसी दिन राज्य स्तर पर भी राज्यों की राजधानियों में NLM को प्रारंभ किया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 1990 तक 3 करोड़ निरक्षरों को साक्षर करना था। क्या था? जो NLM था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि 3 करोड़ निरक्षरों को साक्षर करना था तथा अन्य 5 करोड़ निरक्षरों को 1995 तक साक्षर करना था। लेकिन इस प्रकार 1995 तक 8 करोड़, कितना? 1995 तक 8 करोड़ निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया। NLM का जो लक्ष्य था, वह लक्ष्य था कि NLM का जो लक्ष्य था कि 1995 तक क्या करना किया जाए, 1995 तक जो है तकरीबन 8 करोड़ निरक्षरों को साक्षर करना था। इस अभियान में मुख्य बल महिलाओं तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति के निरक्षरों को साक्षर करने का संकल्प था। क्या था? जो NLM का उद्देश्य था कि 1995 तक 8 करोड़ निरक्षरों को साक्षर करना, और उसके बाद अगर बताऊं कि इस अभियान में मुख्य बल जो दिया गया वह महिलाओं तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जात जनजाति के निरक्षरों को साक्षर करने का संकल्प लिया गया। उसके बाद अगर अब हम बात करें DPEP क्या है, DPEP मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, यहाँ पर प्रश्न बनने की बहुत संभावना है। DPEP का सबसे पहले पूरा नाम क्या है, तो हम जानते हैं DPEP का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को DPEP के नाम से जाना जाता है। और DPEP का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसे हिंदी में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कहा जाता है, और शॉर्ट में यदि बात करें तो DPEP जो है कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि DPEP का पूरा नाम क्या है, तो आप बता देंगे तुरंत कि DPEP का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है। उसके बाद अगर बात करें कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है, तो DPEP है शिक्षा के सार्वभौमिकरण, यानी कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए उसकी दिशा में केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। इस योजना को 1944 को प्रारंभ किया गया। जो DPEP है, इसे कब प्रारंभ किया गया? DPEP को दोस्त जो है 1944 ईस्वी में गाइज प्रारंभ किया गया। और इसका जो खर्च है वो है कौन कितना वहन करता है, तो खर्च की अगर बात करूँ, व्यय की अगर बात करूँ, तो 85% केंद्र सरकार खर्चा करती है और 15% राज्य सरकार खर्चा करती है। आगे अगर मैं बात करूँ कि केंद्र सरकार वहाँ स्रोत तथा UNICEF नीदरलैंड IDA आदि संस्थाओं से सहायता प्राप्त करता है, अर्थात ऋण लेता है। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में विदेशी सहायता 6938 करोड़, जिसमें
5,137 करोड़ आईडीए से ऋण के रूप में लिए गए हैं। वर्तमान समय में यह कार्यक्रम जो है 9 राज्यों के 123 जिलों में संचालित है। पूछा जा सकता है कि डीपीईपी वर्तमान समय में कितने राज्यों में कितने जिलों में संचालित है, तो हमें क्या उत्तर देना है, वर्तमान समय में डीपीईपी 9 राज्यों में कितने राज्यों में, डीपीईपी 9 राज्यों में 9 राज्यों के 123 जिलों में संचालित है, तथा पूर्व में जब यह लागू किया गया था 18 राज्यों में कितने राज्यों में, 18 राज्यों के 273 जिलों में संचालित था। इसके अंतर्गत अभी तक 16,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं, किसके, डीपीईपी के द्वारा जो है अभी तक 16,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं। उद्देश्य क्या है डीपीईपी का, तो डीपीईपी का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि डीपीईपी का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। जो डीपीईपी का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर स्कूल हैं, उनमें जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। नंबर दो अगर बात करें, ड्रॉप आउट की संख्या को 10% कम करना, अर्थात 0% पर लाना। नंबर तीन, डीपीईपी का मुख्य उद्देश्य है कि जातीयता, लोगों के अंदर जो जातिवाद भरा पड़ा है और जो लिंग भेद क्षेत्रवाद आदि को 5% कम करना है, तो यह डीपीईपी का मुख्य उद्देश्य है। गाइज, आज जो हम लोगों ने चर्चा की है वह चर्चा की है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में हम लोगों ने चर्चा की। पहले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। आज हम लोगों ने जो चर्चा की है वह चर्चा की है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जो है चर्चा की हम लोगों ने कि NLM के बारे में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, और जो है DPEP के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अर्थात DPEP के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, किसमें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में चर्चा करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में, यह भी आता है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।